दिल्ली एनसीआर की हवा में नहीं हुआ कोई सुधार, 355 के पार पहुंचा एनसीआर का एक्यूआई। गुरुग्राम में 200 के पार जबकि फरीदाबाद में 214 के पार पहुंचा एक्यूआई। सिंह बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज, आंदोलन की आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। मोदी सरकार के कानून वापस लेने पर भी की जाएगा विचार विमर्श। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस की विजय रैली, कृषि कानून वापसी को कांग्रेस ने बताया किसानों की जीत, ये विपक्ष की साल भर चली लड़ाई का है परिणाम। गृहमंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा पहले जब आंदोलन हुआ था तब बात करने की बजाय लागू कर दी थी इमरजेंसी, और एक आंदोलन अब हुआ है तो पीएम मोदी ने किसानों से मांगी माफी। लोहारू के विश्राम गृह में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी शिकायतें, समाधान के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। खास खबर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मोदी सरकार के कानून वापस लेने पर, इस दौरान चर्चा होगी, संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक है। सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक होगी, आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक होनी है तो इस वक्त की बड़ी खबर, आंदोलन की आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। मोदी सरकार के कानून वापस लेने पर भी चर्चा होगी, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज है। बता दें कृषि कानून रद्द होने के फैसले के बाद अब सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक की जाएगी, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह बैठक की जाएगी, जिसमें आगे ये क्या कुछ रणनीति होगी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं तमाम किसान संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद आने वाले फैसले के इंतजार में बैठे हैं। बता दें कि लगातार किसानों से अपील की जा रही है कि धरना खत्म करें और अपने घरों को वापस लौट जाएं, लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आगे की स्थिति, आगे की काफी कुछ तस्वीरें साफ करती हुई नजर आएगी। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज होनी है, सिंह बॉर्डर पर यह बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा और किसानों को एक तस्वीर साफ की जाएगी कि यह आंदोलन अब खत्म किया जाएगा या इस आंदोलन को आगे और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वल्लभगढ़ से रिंकू शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रिंकू, क्या कुछ वहां की मौजूदा स्थिति, क्योंकि लगातार अभी किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पिछले एक साल से किसानों में कृषि कानून को लेकर विरोध था, आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। बता दें जी, कांग्रेस पार्टी द्वारा एक आज पद यात्रा निकाली जा रही है, वहीं विजय प्रताप जो बढ़कर विधानसभा से आज लेके एक नंबर की मार्केट से निकलेगी। फिलहाल तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद है। रिंकू, आपके साथ तमाम कांग्रेसी नेता वहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए अगर कुछ स्थिति साफ हो पाए, क्योंकि लगातार अभी भी आंदोलन खत्म होने का फैसला नहीं लिया जा सका। विजय प्रताप हमारे साथ मौजूद है। विजय प्रताप जी, आज रैली निकाली जा रही है, क्या कुछ है? देखिए, ये जो महंगाई के विरोध में मोदी सरकार ने जितनी महंगाई कर दी है, चाहे पेट्रोल डीजल हो, गैस हो, खाने पीने की चीजें हो, हर चीज पे महंगाई है, बिल्डिंग मटेरियल हो, लोहा है, सरिया है, आम आदमी का जीना दुर्बर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, इसके विरोध में महंगाई को महंगाई के विरोध में ये जन जागरण यात्रा निकाल रही है कांग्रेस, और पूरे देश में ही निकाली जा रही है। जैसे कि विजय प्रताप का कहना है कि कांग्रेस की द्वारा जो रैली निकाली जा रही है, बिल्कुल रिंकू, हालांकि कांग्रेस के द्वारा ये विजय रैली निकाली जा रही है, जहां महंगाई के मुद्दों के साथ साथ और भी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस के पास था, कृषि कानून, उसको अब खारिज कर दिया गया है, उसको अब रद्द कर दिया गया है, कोई मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं रह गया, ऐसे में अब महंगाई को मुद्दा बनाया जा रहा है। एक पदयात्रा निकाली, Thank you.
और हमारे साथ प्रवीण शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ हैं। लगातार प्रवीण, कृषि कानून को लेकर जहां बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब कृषि कानून का मुद्दा जहां खत्म हो गया है, लेकिन बावजूद इसके बैठकों का दौर थमते हुए नजर नहीं आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बैठक की जानी है, इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी बिल्कुल, अगर देखिए जिस तरह से कल एक माहौल बना था और के किसान आंदोलन वापस हो जाएगा प्रधानमंत्री की अपील के बाद, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया इसकी संभावनाएं कम होती चली गई और साफ तौर पे राकेश टिकैत ने कह दिया कि आंदोलन एकदम से ख़त्म नहीं हो सकता। अभी हम इसको लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि 40 किसान संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा है जो इस पर बैठक कर निर्णय लेगा। हालांकि साफ तौर पर 3 कृषि बिल वापस हो गए हैं, लेकिन किसानों की जो अन्य मांगे हैं उनको लेकर अभी किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है MSP का गारंटी कानून बनाने की है, और जब तक वो नहीं होता तब तक लगता नहीं है कि आंदोलन समाप्त होने की राह पे जाएगा। बिल्कुल प्रवीण, हालांकि सवाल यहां पर यही है क्योंकि पिछले एक साल से ज्यादा का समय सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन का था, लेकिन अब कृषि कानून को जब रद्द कर दिया गया है तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन का एक स्टार और एड कर दिया गया है कि अब MSP पर भी कानून बनना चाहिए, तभी एक आंदोलन खत्म होगा। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी हमने कई बार जैसे राकेश टिकैत को सुना तो उनकी हमेशा यही कहते नजर आते थे कि तीनों कृषि कानून जिस दिन सरकार वापस ले लेगी उस दिन ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। उस वक्त किसी और तरह की डिमांड की बात नहीं होती थी, जैसे अगर 12 दौर की बैठकों की बात करें तो उसमें भी सिर्फ एक ही एजेंडा रहता था कि सिर्फ 3 कानून वापस लेने होंगे, लेकिन अब जब 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं सरकार ने, उसके बाद किसानों का एक रवैया जो है वो बदलता नजर आता है और किसान नेता साफ तौर पर कहते हैं कि MSP की मांग भी उनकी पुरानी मांग है और MSP के अलावा पॉल्यूशन को लेकर, जो पराली जलाने को लेकर पेनल्टी जो लग रही है, इसके अलावा पराली का जो प्रबंधन है उसकी बात है या बिजली कानून की बात है, तो इन सभी मांगों को अब जोड़ दिया गया और इन सभी मांगों पर फैसला जो किसान चाहते हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब कृषि कानून लागू किए गए थे तब भी अचानक से लागू किए गए, किसी किसान दल से या संगठन से वार्ता नहीं की गई, और इसी तरह से इन कानूनों को निरस्त करते वक्त भी ना तो किसी किसान संगठन से बात की गई है ना किसी किसान नेता से बात की गई है, अचानक से सरकार ने इन कानूनों को रद्द भी कर दिया। प्रवीण, हालांकि तो सरकार कह रही है कि MSP पर कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें किसान नेताओं को भी शामिल किया जाएगा, कृषि विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा, सरकार के नुमाइंदे भी इस दौरान यहां मौजूद रहेंगे, लेकिन बावजूद इसके किसान अभी भी आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, किसानों को हर फैसले का अंजाम तुरंत चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर अपने संबोधन में कहा था कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें MSP जो मुख्य मुद्दा है उसके ऊपर भी चर्चा करेगी कमेटी, जिसके अंदर कृषि विशेषज्ञ शामिल होंगे, अर्थशास्त्री उसमें शामिल होंगे और किसान नेताओं को भी उसमें शामिल करने की बात की गई है, लेकिन किसानों को कमेटी पर विश्वास नहीं है। किसानों का साफ तौर का कहना है के कमेटी पर उन्हें विश्वास नहीं है, कमेटी की रिपोर्ट अक्सर रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती है, चाहे आप पिछली जो कमेटियां बनी हैं उनका उदाहरण किसान देते नजर आते हैं। कल हमने पूरा दिन किसानों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से कानून रद्द किए हैं उसी तरह से इस MSP कानून को लाया जाए और उसके बाद ही वे अपने घर को वापसी करेंगे। सिर्फ एक कंडीशन है, यदि आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कोई सहमति बनती है घर वापसी को तो ही संभावना है कि किसान वापस जाएंगे। जी बिल्कुल प्रवीण, हालांकि MSP को लेकर तमाम सहमति बनाने की कोशिश की जा सकती है, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है जिसमें आगे की रणनीति भी तय की जाएगी और तमाम मुद्दों को इस बैठक में शामिल भी किया जाएगा जिस पर विचार विमर्श होना है, लेकिन इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की जा रही है क्योंकि एक के बाद एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की जा रही है सरकार पर, जब तक वो उनकी बात नहीं मानेंगे वो आंदोलन खत्म करने के लिए राजी नहीं होंगे। देखिए सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव जरूर है क्योंकि जिस तरह से 26 तारीख और 29 तारीख की किसानों ने घोषणा की हुई है दिल्ली कूच की, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर की बात है कि सरकार के ऊपर, और कहीं ना कहीं अब किसान इस बात को भी मानने लगे हैं कि जिस तरह से UP में इलेक्शन है और पंजाब में इलेक्शन है, इसके अलावा 3 अन्य स्टेट में भी इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसको इलेक्शन से जोड़ के भी देख रही है कि किसानों का कहना है कि सरकार इलेक्शन में इस अपनी
जो लोकप्रियता कम हो रही है उसको दोबारा बनाने के लिए इन कृषि कानूनों को रद्द कर रही है। बिल्कुल प्रवीण, किसानों ने ये आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि लोकप्रियता चुनाव के दौरान लोकप्रियता सरकार की कम होती जा रही है, जिसको लेकर सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। शायद यही वजह है कि इसी बात का फायदा, चुनाव की लोकप्रियता का फायदा उठाने की कोशिश किसानों की तरफ से भी की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए अब किसानों को साफ तौर पे लगने लगा है कि किसान दबाव में है। जिस तरह अगर हम पिछले बाई इलेक्शन की बात करें तो हिमाचल जैसी एक प्रदेश में एक सीट लोकसभा की बीजेपी गवा गई, तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता में कमी आई है और किसानों को अब इस बात का एहसास हो गया है कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि बिलों को निरस्त करने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं अब किसानों को लगता है कि दबाव में है सरकार, और यदि वे थोड़ा सा दबाव और बनाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार उनकी अन्य मांगों को भी मान लेगी। बिल्कुल प्रवीण, किसानों को ये भरपूर तरह से लग रहा है कि सरकार दबाव में है, ऐसे में थोड़ा दबाव अगर और बनाएंगे तो किसानों की हर मांग को माना जाएगा। प्रवीण आपके पास फिर वापस लौटेंगे, हमारे साथ रिंकू हमारे संवाददाता बल्लभगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं। रिंकू, इस दौरान किसानों की जहां पर मांग को लेकर कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से अब ये विजय दिवस की तरफ से रैली निकाली जा रही है, विजय दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कृषि कानून को रद्द करवाने में बहुत बड़ा योगदान देखने को मिला है। बता दे बल्लभगढ़ में इस समय मौजूद है, वहीं जो विजय प्रताप है एनआईटी 8687 से, ये अपने किसानों को लेकर काफी संतुष्ट नजर आए और वहीं अपनी पदयात्रा ये निकालने में लगे हुए हैं। बिल्कुल रिंकू, हालांकि इस पदयात्रा में महंगाई के साथ साथ और भी तमाम मुद्दों को शामिल किया गया है, जो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। क्या कुछ मांगे कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस की मांग यही है कि जो आजकल पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं या कहीं खाने पीने की चीज लेकर के उसको, उसी मांग को लेकर यहाँ बढ़े हुए हैं, वही लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लगातार हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव बने हुए। प्रवीण, जहां किसानों का आंदोलन थमता हुआ कहीं से नजर नहीं आ रहा, वहीं कांग्रेस भी अब सियासी आग में रोटियां सेकने में लगी हुई है। विजय दिवस मनाया जा रहा है, वहीं महंगाई के साथ साथ और भी तमाम मुद्दों को जोड़कर सरकार को दबाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा गेम था किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन के सहारे ही कांग्रेस दोबारा से पंजाब में अपने पैर जमाने की कोशिश करने की रही थी, क्योंकि कैप्टन अरविंदर के बाद पंजाब में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी थी कांग्रेस, और लगातार किसानों का समर्थन कर वहां पर अपनी दोबारा से अपने को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। और जो अब कांग्रेस ने महंगाई को लेकर एक मुहिम छेड़ दी है, जिसके लिए पूरे देश में हर जिले में जो है एक जुलूस यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बढ़ती महंगाई का विरोध किया जा रहा है। हालांकि जहां तक तेल की हम बात करें, सरकार की ओर से वैट कम करके तेल में 12 रुपए की कटौती की गई थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक कृषि कानून वापस हुए हैं इससे कांग्रेस को लगता है कि सरकार दबाव में है, और अगर इनके प्रदर्शन से कुछ और बदलाव होते हैं तो जनता के बीच कांग्रेस की एक अलग से छवि बनने की उम्मीद कांग्रेस नेताओं को लगती है, जिसको लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस किसी न किसी मुद्दे को लेकर देश भर में प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल प्रवीण, हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ विरोध जताना सबका हक है, हर कोई विरोध जता सकता है, अपनी मांगों को लेकर विरोध जता सकता है, सरकार से मांग कर सकता है, लेकिन ऐसे में एक के बाद एक हर मुद्दे को लेकर विरोध जताना कितना जायज है? ये देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरह से रोज के विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं, और जैसे किसानों ने रास्ता रोक रखा, और ये रास्ता दिल्ली में ही नहीं, अगर हम रेवाड़ी रोड पे जयपुर हाईवे की तरफ जाएं तो वहां भी रास्ता रुका हुआ है, पलवल में भी रास्ता रुका हुआ है, तो आम जनता जहां परेशान होती है वहां पे आपके अधिकार खत्म हो जाते हैं। आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र हमें ये अधिकार देता है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन आप इस तरह से करें कि बाकी लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, हम आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच हमारे साथ किसान नेता कमांडो रामेश्वर शुरान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। कमांडो रामेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जी जय हिंद। लगातार संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का फैसला आने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जहां कृषि कानून को रद्द करने की मांग की जा रही थी, अब सरकार ने कानून तो रद्द कर दिया है, कृषि कानून को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, इसमें क्या कुछ रणनीति के तहत आगे फैसला लिया जाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको स्पष्ट कर देता हूं कि किसान संगठन की मीटिंग होने अभी बाकी है। रही बात आपने बताया कि सरकार ने फैसला वापस ले लिया है, जैसे कि किसान कानून के चलते,
लेकिन संवैधानिक तरीके से, जैसे कि अभी आगामी सीट 70 का जो संसदीय बैठक होना है उसके दौरान जब ये चीजें बिल्कुल अमली जामा, इसको बोल सकते हैं कि हम लोग कानूनन रूप से डाल दिया जाएगा, तो अपने आप ये किसान है जो अपना नेक्स्ट स्टैंड ले लेंगे। लेकिन सर इसकी घोषणा तो प्रधानमंत्री ने कल ही अपने संबोधन में कर दी थी कि आगामी संसद सत्र में संवैधानिक रूप से इसे वापस ले लिया जाएगा। बिल्कुल, ये तीन काले कानूनों की बात हो रही है, साथ में इसके साथ बहुत सारी चीजें अटैच हैं। अब 700 किसानों की शहादत हुई, उनके बारे में क्या स्टैंड रहेगा सरकार का, उनसे भी मांग रखेंगे। लेकिन अभी तक तो राकेश टिकैत जी का कहना यही था कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। अब जब सरकार ने कानून वापस ले लिया है तो इसमें टर्म्स और कंडीशन और जोड़ती जा रही है। नहीं, टर्म्स और कंडीशन की बात करें तो हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि जो किसान आंदोलन था ये कृषि कानून के खिलाफ रहा है, और स्पष्ट रूप से इसके साथ में एमएसपी को भी हम लोग इंक्लूड रखे हैं शुरू से ही, तो ये सारी की सारी चीजें अभी डिस्कस तो होंगी। लेकिन एमएसपी को लेकर के अब कानून बनाना चाहिए और इसको लेकर आंदोलन करना अब कितना जायज है, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। जैसे ही कृषि कानून रद्द किया गया अब एमएसपी को भी मुद्दा बना लिया गया है। हेलो जी कमांडो रामेश्वर जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी, सुन पा रहा हूँ, बताइए जी। अभी तक कृषि कानून को रद्द करने को लेकर मांग की जा रही थी, जैसे ही कृषि कानून रद्द किया गया अब एमएसपी को मुद्दा बना लिया गया। देखिए, कृषि कानून रद्द होगा, अभी हुआ नहीं है, बशर्ते इसमें प्रधानमंत्री जी ने कल बता दिया, स्थित कर दिया उन्होंने, लेकिन इसको कानूनी अमली जामा जो है वो तो क्या किसानों को और तमाम पार्टियों को प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भरोसा है, और भरोसे के साथ ही सारी की सारी चीजें कायम है, जुड़ी हुई है सारी चीजें एक दूसरे से, लेकिन किसान स्पष्ट रूप से सर ये कैसा भरोसा है कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी किसान आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, ये सारी की सारी चीजें जो अभी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी उसके अंदर ही सारी चीजें डिस्कस होंगे, और जो किसान नेता यानी कि किसान जो मोर्चा उसकी तरफ से जो भी कॉल होगी उसी को फॉलो करेंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक होनी है उसमें किस रणनीति के तहत किसान आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे? अब ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा, इसके बारे में तो पहले कुछ भी कह देना मेरे ख्याल में अतिशयोक्ति। तो क्या इस मीटिंग में एमएसपी को लेकर भी कोई नया मुद्दा बनाया जा सकता है? मुद्दा नया नहीं है, एमएसपी का तो स्टार्टिंग से ही मुद्दा है, एमएसपी का तो मुद्दा बिल्कुल पैरेलल के साथ ही चल रहा है। इसके अलावा ये अलग इसके अंदर एड ऑन नहीं होने जा रहा है कि मैं एमएसपी का कोई आज ही मुद्दा उठेगा, ये तो स्टार्टिंग से किसानों की मांग रही है एमएसपी को लेकर के। लेकिन अब एमएसपी को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है सर, विरोध अभी भी खत्म करने की बात नहीं सामने आ रही। राकेश टिकैत ने कल ही साफ कर दिया कि जब तक संसद में आगामी संसद सत्र में ये संवैधानिक रूप से वापस नहीं लिए जाएगा ये फैसला, तब तक विरोध नहीं खत्म होगा, आंदोलन नहीं खत्म होगा, किसानों की घर वापसी नहीं होगी। अब जैसे जैसे कृषि कानून का मुद्दा थमता हुआ नजर आ रहा है अब एमएसपी को मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं, ये तो राकेश टिकैत जी ने बोला है, जो बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि जब तक इसको संसद में अमली जामा कानूनन रूप से नहीं पहनाया जाएगा तब तक घर वापसी नहीं है। हालांकि तो विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने एक चुनावी एजेंडा खेला है, चुनावी मास्टर स्ट्रोक है, क्या इसी मास्टर स्ट्रोक की आग पर किसान नेता भी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं? अब हमारे को नहीं मालूम राजनीति क्या बोलती है, राजनीति के तहत ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या इनकी स्पीकें आ रही है। स्पष्ट रूप से किसान आंदोलन है, वो किसानों की दुर्दशा को देखते हुए किसानों के संगठनों ने मिल करके किया है, तो ये किसी एक आदमी की पर्टिकुलर सोच नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, भले ही वो देश के नागरिक को किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से सरोकार रखते हैं। किसानों के संघर्ष में तमाम राजनीतिक पार्टियां सामने आई है, पूरा पूरा समर्थन किया है किसानों के संघर्ष में, अब क्या राजनीतिक पार्टियों का समर्थन किसान करेंगे? राजनीतिक पार्टी का समर्थन किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं है, आप भी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हो, वो आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी हो सकती है, बट इसके अंदर जो किसान मोर्चा है, हम जनता से जुड़े हुए, हम सिर्फ जनता की आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं और आपकी आवाज जनता तक पहुंचा रहे हैं, हमारा किसी पार्टी से सरोकार नहीं है। मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ, पर्सनली व्यक्तिगत आदमी किसी पार्टी से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जब वो संयुक्त किसान मोर्चे के ऊपर बैठे हैं तो वो सब के सब एक ही आइडियोलॉजी के साथ बैठे हैं, वो है किसानों की हालत को लेकर। तो राजनीतिक समर्थन, राजनीतिक पार्टियों का समर्थन संयुक्त किसान मोर्चा को ही मिला है, तमाम किसानों को ही मिला है, किसान नेताओं को ही मिला है, जिन किसानों ने अभी तक संघर्ष किया है कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए उन्हीं को ये तमाम राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया है और समर्थन साथ रहा है किसान आंदोलन के। किसान आंदोलन में जन आंदोलन हो चुका था, और इसके अंदर कोई भी किसी भी पार्टी से है वो अपनी पार्टी के झंडे के साथ नहीं है, वो सपोर्ट कर रहा है, तो देश की जनता है,
और किसानों के लिए लड़ रहे हैं वहाँ पे सबके सब जितने भी साथी हैं। किसान मोर्चा जो किसानों की बात कर रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी की। तो सर चुनावी मुद्दा भी तो जनता से ही जुड़ा हुआ है, जनता को ही बेहतर बनाने के लिए तो चुनाव करवाए जाते हैं, तभी एक प्रतिनिधि को सत्ता पर बैठाया जाता है ताकि जनता की समस्याएं दूर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, सत्तासीन पार्टियों पे उसका असर आएगा और उसी असर को देखते हुए शायद दबा हुआ है, और शायद नहीं इसका स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि भी आगामी चुनाव को देख करके इतना दबाव पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। चाहे जैसे भी रहे, हम इस बारे में कोई अपने कमिटमेंट नहीं करना चाहेंगे। हमारा मुद्दा एक है, किसानों की जो मांग है वो पूर्ण हो जाए, तो किसान जो आंदोलन है जो वहां पर बैठे हैं धरने पर हम लोग, तो वो सारे के सारे अपने घर वापसी कर जाएंगे। बिल्कुल कमांडो जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर MSP पर लेकर भी किसानों के हित में फैसला ले लिया गया तो क्या अब इसके बाद कोई और मुद्दा भी उठाएगा किसान? नहीं, किसानी के अलावा किसान का मुद्दा कुछ नहीं रहेगा, ये क्लियर है। बिल्कुल ये स्टैंड क्लियर है, किसानी से रिलेटेड जो भी चीज, जो भी आज से पहले जुड़ी है उन्हीं के ऊपर बात हो रही है। सरकार के साथ जब भी टेबल पर बात हुई है तो इसी चीज को लेकर के बात हुई है, इसके अलावा कोई और मुद्दा ना था ना होगा। किसानों के आंदोलन की बात करूं तो मैं, चलिए संयुक्त किसान मोर्चा की हालांकि बैठक होनी है आज, अब इसमें देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद निकल करके सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडो रामेश्वर जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात स्पष्टता से जनता तक पहुंचाने के लिए। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज होनी है जिस पर तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं केवल ढींगरा, कांग्रेस प्रवक्ता जो है। केवल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। नमस्कार केवल जी, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। अभी तक कृषि कानून को मुद्दा बनाया जा रहा था, अब MSP को मुद्दा बनाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। MSP का मुद्दा पहले से भी था और आज भी है। जहां तक संयुक्त मोर्चा की बैठक की बात है तो वो किसान जो है, जो आंदोलनजीवी भी थे परिजीवी भी थे, वो अब फैसला लेंगे कि भाई सरकार के साथ जितने हजारों करोड़ का नुकसान भी जिस तरीके से हुआ देश का, और वो जो उनके साथ जो इतनी शहादत हुई किसानों की, और उसके बाद कई तरह के बिल हैं जो इन्होंने सरकार ने आम लोगों के ऊपर लादने की कोशिश की, तो इसका किसान ही तो संज्ञान ले रहे हैं एक तरह से, कि किसान ही तो ये कह रहे हैं कि ये वापस करो कानून आप जो लोगों के। लेकिन किसानों को कांग्रेस का समर्थन भी तो भरपूर मिल रहा है सर। नहीं, कांग्रेस का समर्थन तो है, बिल्कुल है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। कांग्रेस समर्थन को आम आदमी को, किसान को करती है, और किसान की अगर हक की बात देश के लोग और विपक्ष नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा, ये बताइए आप। तो कहीं ऐसा तो नहीं किसानों को आगे करके कांग्रेस अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से विजय दिवस की यात्रा निकाली जा रही है, विजय दिवस मनाया जा रहा है, पदयात्रा निकाली जा रही है, महंगाई को लेकर सरकार को कोसा जा रहा है। कांग्रेस का कोई ना तो उल्लू है ना कांग्रेस की कोई बात है, कांग्रेस जो है वो किसान के साथ खड़ी है। किसान जो है वो गरीब आदमी, और किसान जो है वो एक आम देश का नागरिक है। सर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, एक के बाद एक मुद्दा बनाकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है और देश का माहौल कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा बिगाड़ा जा रहा है। जिस समय कांग्रेस सत्ता में थी यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों के ऊपर उतरते थे और प्रदर्शन किया करते थे, उस समय क्या इनको यही बात समझ नहीं आती थी? उस समय क्या ये काम करते थे जिस तरह से अभी ये कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए, इनको यह सोचना चाहिए कि हमारे जो 135 करोड़ का देश है वो देशवासियों के लिए है, इनके लिए नहीं है, सरकार के कट्टरवादी नीतियों के लिए नहीं है। लेकिन सर विपक्ष को भी तो यह समझना पड़ेगा कि इस विरोध प्रदर्शन के चलते आम जनता भी बहुत परेशान होती है। आपको आप एक बात बताएं, विपक्ष के लिए जनता परेशान है, किसान ही जनता है, वो परेशान हो रही है, और जो मजदूर है वो ही जनता है देश की, वो परेशान हो रही है, और उसके लिए विपक्ष खड़ा है और उसके लिए ही बात कर रहे हैं विपक्ष। जब ये भारतीय जनता पार्टी की, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय ये कहते थे कि हम जनता के साथ खड़े हैं, ही नहीं किसानों के साथ खड़े हैं। तो सर क्या कांग्रेस की सरकार के दौरान महंगाई और बेरोजगारी नहीं थी?
नहीं नहीं आप मेरी बात पूरी होने दें ना, आप समझे इस बात को। जी बिल्कुल, उस समय भी तो यही लोग थे जब सत्ता पक्ष में कांग्रेस थी। हाँ तो तब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी विपक्ष का काम कर रही थी, आज कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस विपक्ष की भी भूमिका बखूबी निभा रही है। लेकिन सवाल मेरा यही है कि कांग्रेस की सरकार थी तो क्या बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर नहीं थी? अच्छा आप महंगाई, भ्रष्टाचार और उस पे आ गए। मैं सवाल यही पूछ रहा हूँ कि जो बड़े व्यापारियों के हक में कानून बनाए थे इस सरकार ने, क्या वो जनता के कानून थे? उसको ध्वनिमत से पास क्यों किया गया था? उनको ध्वनिमत से ना पास करते, लोगों से, किसानों से, संगठनों से पूछ के करते तो अपने आप ही अच्छा कानून बनता। सर बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश तो हालांकि सरकार ने की थी लेकिन किसान तैयार नहीं हुए। नहीं 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 किसी ने कोई बातचीत की बात नहीं की। ग्यारह दौर की बैठक ऐसे ही हो गई बिना बातचीत के रास्ता निकालने के लिए? नहीं मेरी बात सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, आप मेरी बात पहले देखिए, आराम से सुनना चाहिए। एंकर का काम पता क्या है, उसको सब सुनना चाहिए। आपने सवाल किया, मेरा जवाब लेना उसका। जी बताइए। जवाब दे रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस समय किसान था वो उस समय तो उसको आंदोलनजीवी और परिजीवी कह रहे थे प्रधानमंत्री, उस समय तो ये मान नहीं रहे थे कि ये किसान है। चलिए अब तो मान लिया प्रधानमंत्री ने और कृषि कानून भी रद्द कर दिया, हालांकि अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है। अब बैठक को लेकर आगे अब देखना ये होगा कि क्या कुछ फैसला, क्या कुछ रणनीति इस दौरान किसानों की तरफ से तय होती है। बहुत बहुत शुक्रिया केवल डिंगरा जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या कुछ मौजूदा स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि कल से किसानों के बीच जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक होगी वो काफी कुछ स्थिति साफ कर पाएगी?